नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान में कुछ ही दिन शेष है। ताज नगरी आगरा में कांग्रेस की महापौर पद की प्रत्याशी लता कुमारी लगातार तूफानी जनसंपर्क कर रही हैं और अपने पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील कर रही हैं। जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस महापौर प्रत्याशी लता कुमारी को जनता का भरपूर स्नेह और समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस से महापौर पद की प्रत्याशी लता कुमारी ने अर्जुन नगर, ख्वाजा सराय और अन्य इलाकों में तूफानी जनसंपर्क किया। इस दौरान क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस महापौर पद की प्रत्याशी लता कुमारी को हाथों हाथ लिया और उनके समर्थन में वोट देने की बात भी कही। अपने जनसंपर्क के दौरान लता कुमारी डीजी महाराज न्यूज से मुखातिब हुई और अपनी प्राथमिकता और रणनीति के बारे में बताया। नगर निकाय चुनाव में मतदान 4 अप्रैल को होना है, जिसको लेकर कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी लता कुमारी तूफानी जनसंपर्क कर रही है। इस समय खोजा सराय में है। प्राथमिकता और रणनीति के बारे में जानेंगे कि कितना जनता का स्नेह और प्यार मिल रहा है। लता जी, लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, कितना प्यार मिल रहा है जनता का? प्यार तो मुझे मिल रहा है। पहले तो मैं वार्ड नंबर 61 की जनता को धन्यवाद देती हूँ। यहाँ हमारा कोई पार्षद होने के नहीं है, फिर भी यहाँ से पूरा मुझे सपोर्ट मिल रहा है। मैं यहाँ की जनता को बार बार धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन भी करती हूँ उनका। मुझे सभी जगह जहाँ जा रही हूँ जनता का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो कोई भी इलाका हो, सर्व समाज का भी वोट मिल रहा है। और बस इसी तरह ये प्यार लुटाते रहें और मेरा हौसला बुलंद करते रहें। क्या क्या प्राथमिकताएं मानती हैं, क्या क्या मुद्दे मानती हैं जिनको लेके जा रही हैं कि भाई हमें ये करूंगी? देखिए, मैं पहले दिन से नगर निगम में जिस दिन मैं पर्चा दाखिल करने गई थी, मेरे मुद्दे वही थे। आज वही मुद्दे हैं, आगरा का विकास, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना और जितना होगा। मैं एक जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता रही हूँ, मैं अध्यापक रही 32 साल, मैंने वो नौकरी की, 22 साल से समाज सेवा कर रही हूँ। मेरा उद्देश्य राजनीति नहीं करना है, समाज सेवा करना है। समाज सेवा करना उद्देश्य है, राजनीति करना उद्देश्य नहीं है। यहाँ के बाशिंदे मेरे साथ हैं। भाजी, क्या नाम है आपका? सलीम भाई, ये बताइए, महापौर प्रत्याशी आई हैं आपके पास जी, मुतमईन है इनकी बातों से? जी बहुत बढ़िया है, अच्छा है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर क्या है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे और बेरोजगारी पे ध्यान दिया जाए, जिससे हमारा देश तरक्की कर सके। ठीक है, लगातार लोग कह रहे हैं कि मुद्दे हैं कई सारे। देवेंद्र सिंह चिल्लू मेरे साथ हैं, महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, रणनीतिकार की जिम्मेदारी है। वार्डों पे पार्षदों का चयन हो या उनको चुनाव लड़वाना, ये सब एक महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। महानगर अध्यक्ष मेरे साथ हैं। अध्यक्ष जी, लगातार जनसंपर्क कर रहा है, कैसा स्नेह और प्यार है? देखिए, आगरा महानगर निगम में करीब 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खड़ी करके, दीवार खड़ी करके, नफरत की दीवार खड़ी करके वोट बटरने का काम करती है। नगर निगम में कोई काम नहीं हुए हैं। विशेषकर मैं कहना चाहूं कि हमारी मुस्लिम बस्तियों में तो जब से आगरा नगर निगम पे कब्जा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, इनकी अनदेखी की गई है। लेकिन अगर कांग्रेस की मेयर हमारी लता कुमारी जी बनी तो विशेषकर इन मोहल्लों पर विशेष ध्यान जाएगा, एक सफाई अभियान चलाकर एक विकास का रफ्तार को तेज किया जाएगा और पूरे शहर में विकास की गंगा बहाई जाएगी। पूरे शहर में विकास की गंगा बहाई जाएगी। मेरे साथ मेयर प्रत्याशी हैं, लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, अपनी रणनीति, अपनी प्राथमिकताओं के बारे में लोगों को बता रही हैं और उनसे अपने लिए जन समर्थन की अपील करती नजर आ रही हैं। अपने साथी कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं अमित शर्मा, डीजी महाराजा न्यूज आगरा। कांग्रेस महापौर पद की प्रत्याशी लता कुमारी के जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस के स्थानीय नेता भी शामिल रहे। लोगों ने लता कुमारी को अपना समर्थन देने का वादा किया है। विकास और भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम की बात करते हुए लता कुमारी ने क्षेत्र की जनता से अपने पक्ष में वोट देने और समर्थन देने की अपील की। डीजी महाराजा न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।